गाइस वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन्कर रैंक पुश वीडियो। होप करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और आप लोग अभी रैंक पुश मस्त से चल रहा होगा। तो गाइस आज की वीडियो में भी दो गेम प्ले, और गाइस ये वाला जो गेम प्ले ए सिक्स स्टार का है वो मेरा एक फ्रेंड है तो उसका काफ़ी अच्छा खासा थोड़ा सा माइनस लग गया था, तो इस वजह से उसने मेरे से बोला रैंक पुश करने के लिए, तो मैंने थोड़ा उसका हेल्प करने का ट्राई करा। तो ये वाला गेम प्ले जो ए सिक्स स्टार का है, बाकी जो दूसरा गेम प्ले वो अपनी मेन आईडी का ही है। और गाइस अभी देखते हो ये वाला मैच कितना ओपी होने वाला है और इस वाले मैच में अपने को कितनी प्लस मिलती है। ऑलमोस्ट कॉन्करर रीच का ही है, मतलब 1200 रैंक चल रही थी, तो इस वाले मैच में अच्छी खासी प्लस निकालने के बाद 800 या 900 रैंक हो जाती है। तो गाइस मैच स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारे दोस्त जो था अपनी सेंसिटिविटी कोड मांग रहे थे और बोल रहे थे दिखाने को, तो गाइस ये देख लो पहले। तो गाइज ये तो कोड है, अगर आप कोड कॉपी करना चाहो, बट कभी कभार कोड जो है वो एक्सपायर भी हो जाता है, तो इस वजह से आप पूरी सेंसिटिविटी एक बार देख लो। कभी कभार कोड एक्सपायर हो जाता है तो आप देखकर सेट कर सकते हो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। तो ये तो था अपना कैमरे की सेंसिटिविटी और ये जायरो की है। तो गाइस अभी मैं फिलहाल यहीं पे प्रिजन के वेयर हाउस लूट रहा था और अभी जस्ट यहाँ पर मेरे एक बग्गी का साउंड आता है। तो ये बग्गी वाला बंदा जस्ट मेरे सामने लाके उतरता भी नहीं, एग्जिट भी नहीं करता, सब सामने लाके जस्ट ठोक देता और इसको तो अपन इजी किल कर ही देते हैं। और इस पर कुछ भी नहीं था, गन वगैरह कुछ भी नहीं रहती इस बंदे पर। तो गाइस अभी मैं प्रिजन पर अपनी लूट कंप्लीट करता हूँ और फिर यहाँ से चलेंगे सीधा जोन के सेंटर टू सेंटर, ये वाला मैच होने वाला है। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और गाइस बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना ताकि कॉन्करर के गेम प्ले की नोटिफिकेशन आपके पास बैक टू बैक आती रहे। तो गाइस प्रिजन पे मैं अपनी लूट कंप्लीट करने के बाद, और यहाँ पे फर्स्ट जोन बन चुका था तो यहाँ पर सेकंड जोन में मैं सीधा जोन के सेंटर की साइड आ जाता हूँ। तो गाइस ये बग्गी वाला शायद बंदा यहाँ से लूट के जा रहा था या फिर यहाँ पे रुकने वाला था, पता नहीं, बट यहाँ पर इसकी बग्गी ठुक जाती है मेरे बग्गी में थोड़ा सा, तो इसकी बग्गी भी स्लो ही थी तो इसको अपन मस्त इजी किल कर देते हैं। और गाइस यहाँ पर मैं पहले बना उस पर एक ग्रेनेड कुक करके देख लेता हूँ कि बना उसके ऊपर और कोई बंदा तो नहीं है, अगर फुटस्टेप्स देगा तो इसको भी यहाँ पे फाइट तो निकालनी पड़ेगी। बट यहाँ पर कोई बंदा ग्रेनेड की पिन सुन के तो कोई साउंड देता नहीं है, तो इसका मतलब बना उस खाली रहता, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो गाइस आप लोग भी जब कोई जोन के सेंटर में कोई घर या फिर कंपाउंड लेते हो तो एक बार ग्रेनेड की पिन खींच के देख लिया करो, काफ़ी बंदे जो हैं ग्रेनेड का साउंड सुन के फुटस्टेप्स दे देते हैं। और काफ़ी जो नेक्स्ट लेवल कैंपर होते हैं ना, वो तो उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, वो तो तुम बम फेंक भी दोगे ना ऊपर वो तब भी फुटस्टेप्स नहीं देंगे, वो तो नेक्स्ट लेवल ही कैंपर होते हैं, बट ज़्यादातर बंदे फुटस्टेप देने लगते हैं। तो गाइस मैं बना उसके ऊपर होल्ड ही कर रहा था, इतने मुझे एक डासिया का साउंड आता है तो मैं नीचे की साइड जाता हूँ, मुझे लगा ही था ये बंदा इधर आसपास रुकेगा ही, तो मैंने सोचा जैसे ही रुकेगा वैसे ही से किल कर देंगे। फिर ये बंदा जो था डासिया घुमाने लगता है और मेरे फुट साउंड सुन के मेरे वाले बना उसके नीचे ही रोक देता है, और गाइस इसे तो बिना किसी डैमेज के यहाँ पर किल कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे सामने की साइड एक बंदा मिनी चला रहा था और एक बंदा M4 चला था, तो ये बंदे आपस में दोनों लॉन्ग रेंज फाइट कर रहे थे। मैं इस मिनी वाले बंदे पे स्कोपिन खोल के बैठ जाता हूँ, मैं कहा जैसे ही ये बंदा मतलब एकदम खड़ा रहेगा ना तो वैसे इसे टैप टैप देके मारने का ट्राई करेंगे, बट वो बंदा इतना ज़्यादा इधर उधर हो रहा था तो ठीक से कहीं पर बैठ ही नहीं रहा था। और यहीं पर एक जीप लगी हुई थी तो मैं जीप वाले बंदे को देखता हूँ, तो ये बंदा ओपन में लेटा हुआ था, तो इसको तो अपन मस्त किल कर देते हैं, एकदम ओपन में स्पॉट हो जाता है।
तो गाइस इधर ही मेरे साइड से एक डासे का रोटेशन निकल रहा था। डासे वाले बंदे को तो मैं यहाँ पे काफी अच्छा खासा डैमेज चिपका देता हूँ, बट मेरे बैक साइड बना उस वाला बंदा मेरे को यहाँ पे डैमेज देता है और मेरे पे सीधा ही पुश देने के लिए आ रहा था। इससे पहले मेरे को इसके फुटस्टेप्स आ जाते हैं तो वो अपन फ्री फायर लेकर इसके ऊपर पहले ही चढ़ जाते हैं और इस बंदे को यहाँ पर ईजी किल कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर जस्ट अभी एक बंदा जो है सामने वाले कंटेनर्स के पीछे आके रुक जाता है, तो यहाँ पर मुझे भी पता था कि वो बंदा भी ग्रेनेड डालने का ट्राई कर सकता है, तो मैं ग्रेनेड डाल के बार बार पीछे की साइड भागता रहता हूँ क्योंकि मेरा तो उसका तो एक ग्रेनेड अगर परफेक्ट खिड़की के अंदर आया तो मैं तो सीधा फूटूंगा, बट उसके पास वहाँ पे ज़्यादा कवर है। तो यहाँ पर मेरे दो ग्रेनेड तो वेस्ट हो जाते, बट कोई नहीं, अभी मेरे पास और भी ग्रेनेड है, एक और है। तो यहाँ पर मैं अपना लास्ट ग्रेनेड भी फेंक देता हूँ और इस वाले ग्रेनेड में वो बंदा फूट जाता है। तो यहाँ पर मेरे सारे ग्रेनेड्स खत्म हो जाते हैं और नीचे मेरे को पेटी से भी कोई ग्रेनेड्स तो नहीं मिलते और यहाँ से जोन भी शिफ्ट ले चुका है। तो गाइस अभी देखते रहो, यहाँ से पूरा ओपन का जोन है और ये वाला जोन अपन कैसे खेलते हैं और चिकन डिनर कैसे निकालते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी बग्गी को लेकर रोटेशन नहीं देता क्योंकि मेरे को एज खेलना था। अगर एज पे लगा के अगर मैंने बग्गी को रोका और किसी बंदे ने पीछे का टायर फोड़ दिया तो मेरा खेल तो ऑलमोस्ट वहीं पर ख़त्म ही समझो। तो मैं डासिया को लेकर आता हूँ और यहाँ पर मेरे को जोन के एज पे एक पत्थर का कवर तो मिल जाता है और मेरे सामने की साइड जस्ट अभी अभी एक बंदा रुका है। तो गाइस यहाँ पर बैक साइड से एक जीप का रोटेशन आ रहा था तो जीप वाले बंदे को तो मैं किल कर देता हूँ और जो तो मेरे सामने वाला जो बग्गी वाला बंदा रुका था इसको कोई सामने साइड से मार रहा था तो ये बंदा मेरी साइड से तो ओपन में हो जाता है तो इसको भी इसका भी किल मैं इजी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जो था चार बंदे और अलाइव थे, मतलब मेरे को मिला के चार बंदे अलाइव थे, तो एक बंदा तो सामने पत्थर पर है जो उस बंदे को मार रहा था और बाकी दो बंदे की लोकेशन यहाँ पर मेरे को तो नहीं पता, बट आगे साइड ही कहीं पर होंगे रिच के पीछे। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी बॉडी वगैरह फुल बूस्ट करके और अपनी गाड़ी पर स्मोक करके यहाँ से निकल लेता हूँ और वहाँ पर जो है बंदा पहले से पोजीशन लेकर बैठा होगा मेरे को किल करने के लिए। मैं इस पत्थर के कवर में आता हूँ, बट ये पत्थर पहले से जोन में नहीं था तो मैं सीधा आगे की साइड आ जाता हूँ, बट यहाँ पर मेरा एक फ़ायदा हो जाता है कि वो दोनों बंदे पहले आपस में लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर मेरे को थर्ड पार्टी करने का ईजी मौका मिल जाता है। तो गाइस इस बंदे को अपन यहाँ पे इजी किल कर देते हैं और मेरा 10 किल्स पे चिकन डिनर हो जाता है और गाइस इस वाले मैच में मेरे को 34 की प्लस मिलती है 86 स्टार पे। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड गेम प्ले। तो गाइस ये वाला जो गेम प्ले आता है रात के 9:30-10 बजे का और इस टाइम जो है ना लॉबी इतनी मस्त आती है ना, काफ़ी बंदे पूछे थे कि हाई लॉबी किस टाइम पे आती है जिस टाइम पे ज़्यादा प्लस मिले। तो गाइस शाम के अगर तुम 6-7 बजे से रात के 10:30-11 बजे तक खेलोगे ना इसके बीच में इतनी मस्त लॉबी आती है क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे बंदे फ्री रहते हैं और सारे के सारे बंदे गेम ही खेलते हैं, तो इस टाइम पे बहुत ही तगड़ी लॉबी आती है। तो गाइस ये वाला जो गेम प्ले मेरी मेन आईडी का और इस वाले मैच में मेरे पास बियाडियम रहती है और मैं बिल्कुल जोन के एच पे आके यहाँ पर थोड़ा सा कवर रहता है यहाँ पर रुकता हूँ, तो एकदम मेरे जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे पीछे साइड पे एक बम फूटता है तो मैं यहाँ पे वॉल पर देखता हूँ तो मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है घासों में और इसको मैं यहाँ पर ईजी किल कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पे एक अच्छी खासी पोजीशन है बिल्कुल जोन के एच पे। तो गाइस देखते रहो ये वाला मैच आगे तक कितना मज़ेदार होने वाला है और गाइस अभी देखना है इस वाले मैच में अपन किसको मारने वाले। तो गाइस वहाँ से जो था जोन शिफ्ट ले चुका था और जैसे ही जोन स्टार्ट होता है मैं बिल्कुल जोन के एच पे इस आ जाता हूँ। यहाँ पर रिच के नीचे मैं अपनी बियाडियम को लगा लूँगा क्योंकि रिच के ऊपर तो बंदा ही होगा ऑब्वियसली शेक पर, तो ऊपर तो मैं जाऊँगा अपनी बियाडियम को फुड़वाने के लिए और अभी तक मेरा टॉप 10 तो हुआ नहीं है तो मैं उससे फाइट वगैरह निकालूँ। तो गाइस यहाँ पर एक डासे का रोटेशन निकाल रहा था, इसको तो गाइस इतना प्यारा गिरा है ना क्या ही बताऊँ। तो
गाइस यहाँ पर आते आते मेरे जस्ट 3 किल और हो जाते हैं। एक दासी वाला रोटेशन गिराते हैं और एक बग्गी वाले को भी, और स्मोक में से फायर हो जाता है, और स्मोक में मैं ऐसे ही प्री फायर देता हूँ तो स्मोक में भी बंदा किल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा डैमेज रहा होगा वो बंदा, एक दो गोली में ही मर जाता है। और जो ऊपर वाला बंदा रहता है शैक वाला, वो मेरे को BRDM पे ग्रेनेड्स वगैरह डालने लगा, बट कोई नहीं, ग्रेनेड से BRDM को इतना डैमेज नहीं लगता। BRDM आराम से 10-15 ग्रेनेड्स तो झेल ही लेगी। और गाइस अभी यहाँ से भी जोन शिफ्ट ले चुका है, तो गाइस यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि मैं रिच के नीचे आ रहा था। मुझे लगा था जोन रिच के नीचे की साइड ही बनेगा, बट जो है जोन रिच के ऊपर की साइड बन जाता है। और BRDM तो यहाँ मतलब यहाँ से चढ़ने का रास्ता है ही नहीं। और गाइस अभी देखना मेरे साथ यहाँ पे क्या ही सीन होता है। मतलब मेरे पे BRDM तो है, अभी मैं थोड़ा सेफ भी हूँ और यहाँ पर जोन भी, अभी मैं थोड़ा आगे की साइड जाऊँगा ना, वहाँ पे थोड़ा सा जोन है। और गाइस यहाँ पर मेरे पास वेब शूटर है, मैं वेब शूटर की हेल्प से ऊपर चढ़ सकता हूँ, बट यहाँ पर मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, मेरे को पता ही नहीं है मेरे पे वेब शूटर है। और गाइस अभी देखो यहाँ पर क्या क्या ही सीन होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं कोने में आके चुपचाप तो बैठ जाता हूँ। जो लेफ्ट वाला जो बंदा होगा ये तो मुझे इजी किल्स कर सकता है, और जो शैक वाला जो बंदा जो मेरे ऊपर है इसको मैं, इससे मैं थोड़ा सा कवर में। और गाइस अगर आप लोगों को साउंड आ रहा होगा तो लेफ्ट साइड से साउंड आ रहा है कि कोई एक बंदा जो है वेब शूटर का यूज़ कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। तो गाइस ये बंदा हाथ में वेब शूटर ही पकड़ के ला रहा होता है, और गाइस आप नाम देख ही सकते हो कि ये कौन है, मतलब आप समझ ही जाओगे। और गाइस इसको तो अपन यहाँ पे एकदम इजी किल कर देते हैं। और गाइस फिर मेरे को भी ध्यान आ जाता है कि ये बंदा वेब शूटर की हेल्प से ऊपर चढ़ रहा था, तो अपन भी ट्राई करते हैं वेब शूटर की हेल्प से ऊपर चढ़ने का। तो बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर तो आ जाता हूँ, बट बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाता। और जो एकदम मेरे राइट पर जस्ट जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा ना वैसे ही खेलूँ, क्योंकि मेरे राइट पर जस्ट ऊपर चढ़ते ही बंदा है, और ऊपर चढ़ूंगा तो मेरे हाथ में गन तो रहेगी नहीं, वेब शूटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे ही चढ़ जा या फिर बंदा आगे की साइड आ जाए तो फाइट हो जाएगी यहाँ। तो गाइस यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि स्मोक वगैरह डाल देता हूँ और उसके बाद वेब शूटर का यूज़ करूँगा, बट बंदा यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा दिमाग लगा लेता है और ग्रेनेड डाल देता है, और यहाँ पर मैं 4th रैंक पर ही किल हो जाता हूँ। और गाइस इस वाले मैच में मेरे को सिर्फ 12 की प्लस मिलती है, 3rd रैंक पे 8 किल्स थे मेरे। और गाइस अगर ये दोनों गेम प्ले आप लोगों को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस मिलता है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।